सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। बरेली से बीजेपी के विधायक हैं राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल। उनकी बेटी हैं साक्षी मिश्रा, जो कि 3 जुलाई को घर से लापता हो जाती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो घर से भागकर अजितेश नाम के एक दलित युवक के साथ शादी कर ली। उनके शादी का जो वायरल वीडियो हुआ उसको सभी ने देखा। फिर साक्षी और अजितेश आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनको सब जानते हैं। जिस प्रकार से उनका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद फिर तमाम टीवी डिबेट्स में साक्षी और अजितेश ने बैठ के अपनी लव स्टोरी सुनाई और अपनी उन दास्तानों को लोगों से साझा किया जो उन्होंने प्रेम से पहले झेला या प्रेम के बाद जिसको वो झेल रहे थे, जिसको वो महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक तमाम हर जगह व्यक्त किया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहुँचा और हाईकोर्ट ने दोनों की शादी को वैध करार दिया और इसके साथ ही निर्देश दिया कि दोनों अपने विवाह को 2 महीने के अंदर पंजीकृत कराएं। साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी अब तक की सबसे लेटेस्ट लव स्टोरी है इस साल की, जिसको हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है और हर कोई उनके बारे में जो नए नए रोज़ रोज़ घटना घट रही है उसके बारे में भी जानना चाहता है। साक्षी और अजितेश को रियलिटी शो बिग बॉस से भी आमंत्रण मिला है और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से रियलिटी शो बिग बॉस से उन्हें आमंत्रण मिला है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो आने वाले वक्त में इस सीज़न में बिग बॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से साक्षी और अजितेश सुर्खियों में हैं। सुर्खियाँ इसलिए बनी क्योंकि साक्षी ने कल अपना एक नया फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट किया। इंस्टाग्राम में उन्होंने लिखा कि वो एक जो है साक्षी और अजितेश की जो लव स्टोरी है उसको लेकर उन्होंने व्यक्त किया कि शख्सियत है हमारी जो महकती रहती है। इसके साथ साथ उन्होंने अभी की टाइगर्स करार दिया, यानी कि अपने पति अजितेश की टाइगर्स खुद को करार दिया साक्षी मिश्रा ने, और उसने लिखा कि वो अभी की टाइगर्स है। इसके साथ साथ उसने फेसबुक अकाउंट भी क्रिएट किया जहाँ पर उसने लिखा कि वो मनमर्जी की क्वीन है और इसके अलावा पप्पू भड़तौल की बेटी है। राजेश मिश्रा जो कि विधायक हैं बरेली से, उनकी बेटी है। साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी में रोज़ नए नए दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं और हर कोई अभी भी उनके बारे में जानना चाहता है। जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्सुकता है, कौतूहलता है कि उन दोनों के लव स्टोरी के बारे में और भी जाने, कैसे उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और अब क्या चल रहा है, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और अब दोनों कहाँ जीवन व्याप्त कर रहे हैं, दोनों किस जगह हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अभी भी लोग उतनी ही उत्सुकता से जानना चाहते हैं जितनी उत्सुकता के साथ उन्होंने साक्षी और अजितेश का वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ था उसको देखा, उसके बाद तमाम टीवी डिबेट्स में उन दोनों को सुना। अब साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी का जो नया मोड़ है वो यही है कि दोनों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, जिसमें खास तौर से साक्षी मिश्रा खास चर्चित हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इंस्टाग्राम में जो अपना अकाउंट बनाया उसमें लिखा सीनू अभी। साक्षी मिश्रा घर के नाम सीनू है और उन्होंने सीनू लिखा और अजितेश का शॉर्ट नाम है अभी। दोनों को नाम मिला कि उन्होंने सीनू अभी के नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट की। इसके अलावा एक फ़ोटो भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी शख्सियत महकती है, यानी साक्षी और अजितेश की जो शख्सियत है वो महकती है। इसके साथ साथ उन्होंने जब फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट किया तो फेसबुक में उन्होंने लिखा कि वो अपनी मनमर्जी की क्वीन है और वो अपने पापा यानी कि पप्पू भड़तौल की बेटी है। एक वक्त था कि जब साक्षी अपने पापा पप्पू भड़तौल को अपना आदर्श मानती थी और उनको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली कहती थी और अपने पापा की सबसे प्यारी बेटी खुद को कहती थी, लेकिन जिस प्रकार से इन तमाम सारे मोड़ आए उनके प्रेम विवाह में और लोगों के बीच में चर्चा बनी दोनों के विवाह की, उसके बाद साक्षी मिश्रा अब जब नया फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट किए इसको भी लेकर एक चर्चा है क्योंकि जिस प्रकार से उसने साक्षी मिश्रा ने फेसबुक प्रोफाइल में अपने तमाम सारे परिवार की फ़ोटो डाली, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने पापा के साथ, वो पुरानी फ़ोटो ही अपलोड कर रही है। इसके अलावा उसने अपने भाई के लिए भी संदेश लिखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार भाई करते हैं लेकिन वो जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों का प्रेम विवाह के बाद जिस प्रकार से परिवार नाखुश है और राजेश मिश्रा और उनके पुत्र भी टीवी पर आकर ये कह चुके हैं कि उनको साक्षी को और अजितेश को उन दोनों से कोई खतरा नहीं है, उन दोनों अपना स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, लेकिन साक्षी के भाई विक्की ने ये जरूर कहा था कि साक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर करने से पहले एक बार कम से कम अगर पापा से नहीं तो मुझसे ज़रूर पूछना चाहिए था, ऐसा साक्षी के भाई विक्की का कहना था। और साक्षी ने भी अपने भाई विक्की और इसके साथ साथ अपने पापा पर आरोप लगाया था कि उन दोनों की जान लेना चाहते हैं, यानी साक्षी और अजितेश की जान लेना चाहते हैं। अब ऐसे में जब उसने फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट किया है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट किया है और जिस प्रकार से अपने पापा की करीबी दिखाना चाह रही है फेसबुक में और अपने भाई को लेकर संदेश लिख रही है फेसबुक में, तो लोगों के अंदर एक बार फिर से जिज्ञासा जाग गई है, क्या साक्षी एक बार अपने परिवार के साथ फिर से मिलना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है या फिर कुछ और है, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक के बाद एक अपने तमाम सारे परिवार के सदस्यों के साथ फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रही है, उससे जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर इस बात
बात को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। क्या साक्षी अपने परिवार के साथ मिलना चाहती है, उनसे बातचीत करना चाहती है, अपने भाई से बात करना चाहती है, अपने पापा से बात करना चाहती है, या फिर कुछ और है? लेकिन साक्षी और अजितेश की सुर्खियाँ लगातार बरकरार है और इस साल की ये सबसे चर्चित जोड़ी है जो कि लव मैरिज की है, यानी प्रेम विवाह की है। इन दोनों की लव मैरिज ने समाज की तमाम रूढ़िवादी सोचों को चुनौती दी है। इसके अलावा साथ साथ ही इन लोगों की लव मैरिज ने समाज में एक बार फिर से सोचने पर लोगों को विवश किया कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे हो, क्या प्रेम विवाह होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए सहज रूप से या नहीं, या फिर इस तरीके की जो भी शादियां होती हैं उनको क्या परिवार वाले सहज रूप से स्वीकार करें और अपने बच्चों को मनमर्जी से जीने की आज़ादी दें या नहीं। इन तमाम सारे विषयों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सोच रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। साक्षी अजितेश के बारे में आज भी लोग उतनी जिज्ञासा और कौतूहलता के साथ जानना चाहते हैं जैसा उन्होंने वीडियो वायरल होते वक्त और टीवी डिबेट्स में उनको सुनते वक्त जाहिर किया था। तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों की लव स्टोरी में एक नया मोड़ फिर से आया है। साक्षी और अजितेश दोनों ने एक साथ फोटो भी शेयर की है साक्षी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट में भी। साक्षी ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। जिस प्रकार से बिग बॉस से भी दोनों को बुलावा आ रहा है, अब क्या दोनों ये चैलेंज को स्वीकार करते कि वो रियलिटी शो बिग बॉस में जाकर अपनी दिनचर्या वहाँ दिखाते हैं, या फिर जिस प्रकार से बिग बॉस शो का एक फॉर्मा है उसमें वो खड़े उतरते हैं और अपनी जो दिनचर्या है सारा दिन की, जिस तरीके से बिग बॉस एक आम लोगों की और इसके साथ साथ सेलिब्रिटियों की दिनचर्या अपने आम दर्शकों को दिखाता है, क्या साक्षी और अजितेश भी उसके लिए तैयार हैं कि बिग बॉस में जाएँ और इस साल की जिस प्रकार से वो चर्चित जोड़ी रहे हैं उसको बिग बॉस में जाकर आम लोगों के बीच में और भी अपने जीवन को विस्तार से दिखाएं और समझाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से अब साक्षी और अजितेश दोनों की लव स्टोरी सफल हो चुकी है, दोनों को अब परिवार से भी किसी प्रकार का खतरा नहीं क्योंकि पुलिस ने भी उनको सुरक्षा मुहैया करा दी है, तो क्या अब साक्षी एक बार फिर से अपने परिवार के करीब जाना चाहती है? क्योंकि जिस प्रकार से उसने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है और उसमें खुद को अपने पापा की बेटी बताया और अपने भाई के लिए संदेश लिखा है, तो उसके बाद से ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या साक्षी वाकई में फिर से अपने परिवार वालों से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, या फिर कुछ और है? लेकिन फिलहाल दोनों साक्षी मिश्रा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने से लोग एक बार फिर से उन दोनों को देखना चाह रहे हैं और उन दोनों की सुर्खियों को जो है बड़ी दिलचस्पी से साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं।